यहाँ रूम आया तो देखा जिया का मुंह लटका हुआ है। इतना ज्यादा मूड अपसेट है कि पूछिए मत। आप पूछिए ही मत, समझे? क्या हो गया? हमको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये सब भी कर चुके हैं शादी से अभी। पहले। ये भी चीज बताने वाला था कुछ? तो कुछ नहीं रहता है बता, सब कुछ बताया जाता है। तो जी हम लोग सवेरे सवेरे उठ चुके हैं और जिया सवेरे उठ करके यहाँ पर फूल तोड़ रही है। फूल चोरी हो जाता है। और जिया कहे कि आधा फूल अभी तक चोरी हो चुका है। देख रहे हैं कितना फूल होता है इसमें। फूल चोरी हो गया, कुछ कुछ छोड़ दिया है, बस दया कर दिया। दया नहीं, छूट गया होगा क्योंकि बहुत फूल होता है इसमें। अच्छा, मतलब आप तोड़ते ना इतना होता है। वाह, सब तोड़ लिया, देखते हैं दिख रहा है। बेचारी जिया उठी सवेरे सवेरे फूल तोड़ेगी, लेकिन जिया से सवेरे भी कोई उठ गया। आमला है हम लगाए थे, दो तीन कुछ है ही नहीं, तुम क्या तोड़ेगी? एक पीछे चलो कुछ दया कर दिया। ये लोग दया नहीं, भगवान दया कर दिया। जैसे देखे ना कि वो आंटी का जो है वो बगल वाली का गेट खुला, समझ गए उसका फूल गायब है, समझ गए अपना भी गया होगा। 2 hours later अब हो चुके हैं हम लोग तैयार। जिया वहाँ गई है गोसाई घर में प्रणाम करने, इसके बाद यहाँ से अब विदा ले रहे हैं हम लोग। हम लोग घर से निकल चुके हैं ना। देखो देखो जिया आप हो रही है अपने लाइफ से विदा और मम्मी इतना बड़ा बिंदी लगा दी। बिल्कुल मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम छोटा बिंदी लगा। जी हम लोग स्टेशन आ चुके हैं और इनको देखिए कैसे चल रहे हैं। वहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई थी और हम लोग इधर से आए। ये प्लेटफॉर्म है, उधर हमारी गाड़ी आ रही है और हम कटिहार जा रहे हैं। तो जी हम लोग हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पर, हम लोग इंतजार कर रहे हैं जी कटिहार की गाड़ी आने का। तो कटिहार की देखते हैं कौन सी पहली गाड़ी आ रही है, तो वहाँ जा करके चल रहे हैं इंक्वायरी ऑफिस, वहाँ चल करके पता करते हैं। बाकी जिया को वहाँ पर बैठा दिया है हमने। अभी स्टेशन पर अच्छा खासा भीड़ है। ये सब भीड़ मुझे लग रहा है कि आगे पटना वाली रूट में जाने के लिए इंटरसिटी ट्रेन आने वाली है, तो इंटरसिटी में ये लोग बैठेंगे फिर तो स्टेशन खाली ही हो जाता है और आराम से जो सीट होता है लेट रहे होते हैं उसके ऊपर, ऐसा हाल रहता है। तो चलिए पता कर लेते हैं कौन सी ट्रेन है। तो एक गाड़ी कुछ देर में आ रही है 05484, तो वो एक नंबर पर आएगी। जी हाँ, वहाँ दो नंबर पर बैठी हुई है तो उसको लेकर के इधर आ जाते हैं। इसको भगाना चाह रहा है, ये भाग नहीं रहा। हम बैठ गए जी अब ट्रेन में। फाइनली जी हम लोग उतर गए हैं कटिहार स्टेशन और अब यहाँ से अब सीधा चलते हैं घर। मुझे लगे ये बहुत तेज भूख, वहाँ से एकदम सुबह सुबह निकले थे, कुछ नाश्ता भी नहीं किया, बस चाय पी लिए है ना। और पेट में जी अब चूहे कूद रहे हैं, जल्दी चलते हैं, माने कुछ ना कुछ बना करके रखा होगा। वैसे अभी भी वहाँ भी तो नाश्ते का टाइम है, सुबह 9 बजे है। तो कोई नहीं जी, सत्तू पी लेंगे जा करके, यही सबसे जिंदाबाद चीज़ है। फाइनली जी पहुँच गए अपने घर, अभी गेट के बाहर खड़े हैं, भाई आ रहा है गेट खोलेगा। One eternity later. जी घर आ चुके हैं और घर पहुंच करके जी आराम से हम जो सोए हैं कम से कम 2-3 घंटा, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा राहत मिला है क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो गया था हमें। दीदी क्या कर रही है? आलू का स्टू बनाए हैं। अच्छा, नाम चढ़ा हुआ है कुकर पे। हाँ, मेरा सब्जी है। स्पेशल तुम लोग नहीं खाया, आज खा के देखो अगर अच्छा बना और दिन भी बनाएंगे। अच्छा, वैसे तो नॉर्मल जो सब्जी बनाती है हमको ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये माँ का स्पेशल सब्जी है, वैसे भी आलू का सब्जी कोई बनाती है बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद आटा सना हुआ है तो जिसको मौका मिलेगा रोटी बना ले, यहाँ कंपटीशन की बात तो होती है। सही बात है। हाँ, इसके डैडी जो है तो नमकीन बिस्किट ही खाते है, मैं भी वही खाती हूँ क्योंकि हम लोग शुगर पेशेंट है। यहाँ मैं लाई थी जबकि यहाँ बिस्किट मीठा वाला भरा हुआ है डब्बा में,
लेकिन सोनुआ जो नया डिब्बा देख लिया उसको सोनुआ बिस्कुट को खोले नहीं, फाड़े नहीं, खाए नहीं, संभव नहीं, इसलिए आधा डिब्बा लेके जा रहे हैं। बोले कौन फाड़ा, तो हम समझ गए सोनुआ क्या है। Tomorrow. नारियल पानी दस किलो, उसके बाद यहाँ पर नारियल भी है, खा लेना छिलके, इतना ही पानी था। अब जी दीपावली भी नज़दीक है, तो दीपावली को लेकर के घर में सफाई भी होनी है, तो ये सब देख रहे हैं। सारा ट्रॉली हम बाहर निकाल करके ले आए, अंदर आज पूरा सफाई करना है। और सफाई करने के बाद जी और भी कुछ कुछ काम है, भाई की शादी भी है, दीपावली जैसे बीतेगा, छठ बीतेगा, उसके कुछ ही हफ्तों बाद भाई की शादी भी आने वाली है, तो उसका भी काम काज अब शुरू हो गया है। कार्ड का छपना जी, मिठाई सब का ऑर्डर करना, तो एक एक करके सब कुछ दिखाते हैं आपको। या वहाँ सब्जी काटने में मस्त है, तो जी आपको इधर नारियल से कोई मतलब है नहीं, तब तक हम यहाँ से नारियल थोड़ा छील छील करके खा रहे हैं, तो अपना उधर काटते रहो, हम इधर खाते रहे। जी छील के देते हैं और खा लीजिएगा। भारी गंदा है, बहुत ज्यादा भारी गंदा है। जितना भी गंदा था हम सबको झाड़ने का काम तो हो गया है, अब जो ऊपर में ट्रॉली चढ़ेंगे। और अभी आप मेरे मुंह में यह मास्क देख लेंगे, ये मास्क जो है अभी कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए नहीं, अभी धूल से प्रोटेक्शन के लिए है। वैसे तो हम लोग अपना जो चेहरा है उसमें या तो रुमाल बांध लिया करते थे या गमछा बांध लिया करते थे, लेकिन गमछा से भी अच्छा। हाँ, गॉगल्स आंख में जा रहा था, गंदा है बहुत। यह जो पालिका बाजार का 50 रुपया का गॉगल्स है, अभी बहुत काम दे रहा है ये उसे बचाने में, है ना। तो अब आगे जो है सारा ट्रॉली को ऊपर चढ़ाना है, ना जाने शायद 8-9 ट्रॉली है, भगवान जाने कितना ट्रॉली दिया खरीद करके लाइए, तब करते हैं काम। One eternity later. यहाँ रूम आया तो देखा जिया का मुंह लटका हुआ है, इतना ज्यादा मूड अपसेट है कि पूछिए मत। आप पूछिए ही मत, समझे? क्या हो गया? हमको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये सब भी कर चुके हैं शादी से। अब ये भी चीज बताने वाला था कुछ, तो कुछ नहीं रहता है, बता, सब कुछ बताया जाता है। बताते हैं जी हुआ क्या। अब जिया का देख रहे हैं मूड खराब है, बताइए, ये भी कोई बताने वाली चीज है। असल में जी जिया का मूड क्यों खराब है अभी आपको मालूम चलेगा, वो पास्ट वाली गलती कुछ नहीं है, अब बताता हूँ क्या गलती है। जी हुआ क्या, मैं और मेरा एक दोस्त था देखो यहाँ पर आराम से, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने मिलकर सोचा था कि एक कंपनी खोलते हैं, चलो डिजिटल मार्केटिंग की अपनी कंपनी खोलते हैं। तो कहा कि चलो ठीक है, तो हम दोनों ने जो है बहुत ही मेहनत से, लगन से एकदम उस कंपनी को स्टार्ट किया। लेकिन जब उस कंपनी में काम करने की बारी आई तो दोनों में से कोई भी जो अपने कंफर्ट जोन से हिल नहीं रहे थे। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, तो क्लाइंट को जो ढूंढने का काम सब था, कुछ कुछ किया भी है, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर हम लोगों का जो कोऑर्डिनेशन उस कंपनी को लेकर के सारा खत्म ही हो गया। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कंपनी रहने दो, कुछ नहीं करना, अपना अपना काम करो। हुआ क्या जी, तो जब हमने कंपनी खोला था तो कंपनी का भी एक अपना बैंक अकाउंट होता है, तो वो बैंक अकाउंट जो है हमने एक बैंक में खोला था। जी हुआ क्या, आज जब मैं कार लोन के लिए अप्लाई किया हमने फाइनेंस करवाने के लिए, उससे पहले जी मैंने अपना इंडिविजुअल अकाउंट जो है उसी बैंक में खुलवाया था। कंपनी में मेरा कंपनी का बैंक अकाउंट था, तो कंपनी का बैंक अकाउंट तो अपना अलग था जी, मैंने अपना इंडिविजुअल बैंक अकाउंट खुलवा लिया उसी बैंक में। हुआ क्या जी, जी प्राइवेसी की वजह से मैं आपको उस बैंक का नाम नहीं बता रहा हूँ, और क्या पता क्या प्रॉब्लम हो जाए मैं उस बैंक का यहाँ पर नाम लूँ, तो इससे अच्छा है कि चलिए वैसे ही बैंक का नाम लेता हूँ। मैंने जो कार लोन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि आप कैंसिल चेक दीजिए, तो मेरे पास चेकबुक था ही नहीं क्योंकि मुझे चेक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने कहा कि जी हमारे पास तो है नहीं, उस उन्होंने बैंक का चेक नहीं था और सब बैंक का, बाकी सब बैंक का था लेकिन उस बैंक का नहीं था, इतना लेकर के हम लोग क्या करते, तो हमने मना कर दिया था, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ जी, फिर हुआ क्या, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं जी, अभी के अभी हम आपका चेक इशू कर देंगे। हमके चलो अच्छी बात है, हम चले गए ब्रांच, वहाँ पर सारा प्रोसेस सब भी हो गया, चेकबुक बस मिलने ही वाला था कि उसी समय क्या पता चला कि मेरा जो सिग्नेचर है वो मिसमैच कर रहा है जो बैंक अकाउंट में डला हुआ है। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है जी, मेरा सिग्नेचर मिसमैच हो गया, बिल्कुल जी। फिर मालूम क्या चला कि मेरा जो कंपनी का बैंक अकाउंट में जो मेरा सिग्नेचर था उसी सिग्नेचर को इन्होंने उठा करके मेरे इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में डाल दिया। और कंपनी के सिग्नेचर में क्या दिक्कत था, कंपनी के बैंक अकाउंट में सिग्नेचर का क्या दिक्कत था, वहां पर था मेरी कंपनी का स्टाम्प मारा हुआ, उसके ऊपर से साइन किया हुआ, तो स्टाम्प और सिग्नेचर वो डाल दिया है मेरे इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बैंक की तरफ से भी यह गलती है, वह एक कंपनी का बैंक अकाउंट था तो उसका सिग्नेचर उठा करके इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में क्यों डाल दिया उन्होंने। फिर उसकी वजह से जी अब हुआ कि अब हमें धनतेरस को कार लेना है, अब धनतेरस तक इशू हो पाएगा कि नहीं, अब क्या क्या बताए जी, सिग्नेचर को कहा है कि अब फिर से करेक्ट करना होगा, उसके लिए एप्लीकेशन दिया है,
लेकिन मैनेजर साहब जो थे वहाँ के बड़े ही कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि बहुत तुरंत तुरंत सब कुछ हो जाए, और उम्मीद करते हैं जी सब कुछ हो ही जाए। वो कह रहे हैं कि 90% चांस है कि आपका जो है कार आपके हाथ में 2 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन 10% चांस यह भी है कि नहीं होगा, और अगर जब नहीं होगा तो उसके बाद भी 2 प्रोसेस है जो करना पड़ेगा, उसमें लगेगा समय। मतलब लग रहा है कि क्या कहे जी, कार का जो सपना थोड़ा सा जो है ना लग रहा है वह पूरा होने का थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है। सपना पूरा तो जरूर होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा जी। वो जो कि हम लोग सोच रहे थे कि टाइम से ले, धनतेरस अच्छा दिन था तो हम लोग चाहते थे कि उसी दिन गाड़ी ले ले, तो उम्मीद करते हैं जी उस दिन हो जाए। आप लोग भी दुआ करिए कि उसी दिन हमें गाड़ी मिल जाए, आप लोग के दुआओं में बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी बात इन्होंने की आप लोग के दुआओं में बहुत ताकत है, प्लीज आप लोग इनके लिए दुआ कीजिएगा, और जो बड़े हैं बहुत सारा इनको प्यार दीजिएगा ताकि इनका जो भी सपना है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल जी, तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, यही थी जी हमारी आज की कहानी। तो उम्मीद करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो जिया बोल रही है क्या, मतलब आपको ध्यान नहीं था ऐसा हुआ? हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या मालूम, हम तो बस सिग्नेचर किए, हमको क्या मालूम था कि ये सिग्नेचर नहीं लेकर के मेरा कंपनी का जो था वो सिग्नेचर उठा करके मेरे इंडिविजुअल में डाल देगा। मतलब हम ये सब देखे भी नहीं थे पहले, कभी ऐसा होता है? हम भी नहीं देखे थे, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, और हो सकता है कि आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझको लगता है कि 80% जो लोग होंगे उनका भी यही पहला ही होगा ऐसा कुछ। अच्छा। तो चलिए अब इस वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो सबसे पहले आपको, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।